हेलो गाइस दिस गाइज पॉइंट स्वागत है चैनल दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल सेशन है स्पेशल सेशन है किसके लिए तो आरआरबी आरआरबी के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी चल रहा है और उसमें आपका कंप्यूटर का योगदान क्या है ये आपको मालूम है हम अभी रिसेंट बात कर रहे हैं आर के बारे में दोस्तों अर में हमारे क्या आ रहे हैं तो चालीस क्वेश्चन रहेंगे आप मैं स्केल वन के बारे में बात करूँ स्केल टू के बारे में बात करूँ या फिर असिस्टेंट के बारे में बात करूँ चालीस क्वेश्चन रहेंगे बीस मार्क्स रहेंगे जब ये चल रहा होगा तो वहाँ पे हमारे एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग और नेटवर्किंग में एक सब टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग डिवाइसिस

ज्योति जुड़ चुके हैं आपन जुड़ चुके हैं राज जुड़ चुके हैं वैशाली जुड़ चुके हैं सबका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार सेशन को कॉपी कीजिए सारे स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ये नेटवर्किंग डिवाइस चैप्टर सबको अच्छे समझ में आ जाए और बहुत ही एक फर्टफुल सेशन आपके लिए होने वाला है तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं यहां पे वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों जैसे कि मैंने क्या लिखा है नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा एक बात मैं बता दूं नेटवर्किंग डिवाइस समझने से पहले आपको एक बात समझना चाहिए कि नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो आपका नेटवर्किंग चैप्टर के तहत ही आएगा सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कितने नेटवर्किंग डिवाइस है लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके अनाउंसमेंट यह है कि बी रेडी फॉर बैंकिंग एक्सपेरेंट तो एक रेवोल्यूशन के तैयार रहिए कब तैयार रहना है तो आपको 21 जून को रात 9 पीएम पे 21 जून को रात 9 पीएम पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हम लोगों लोग ने लोग प्लान किया है और ये रिवील होगा 21 जून यानी कि कल रात 9 पीएम में ठीक है चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आपको बताऊं तो आपको दो तीन चीजें आपको समझना ये होगा गाइज की थोड़ा बहुत आपको नेट मॉडल के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए नेटवर्किंग मॉडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों अगर मैं नेटवर्क मॉडल के बारे में अगर मैंने बात करी है इससे पहले भी तो नेटवर्क मॉडल में हमारा क्या होता है नेटवर्क मॉडल में बेसिकली हमारा होता है मॉडल होता है ठीक है ओ एस आई आई एस ओ मॉडल होता है टोटल इसमें सेवन होता है टोटल इसका सेवन लेयर होता है पहला लेयर आपका क्या होता है तो फिजिकल लेयर होता है दूसरा लेयर होता है वो डेटा लिंक लेयर होता है तीसरा जो होता है वो मेरा नेटवर्क लेयर होता है और चौथा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है तो बेसिकली ये तीन लेयर ऐसा है जिसमें हमारा हार्डवेयर का रोल होता है आप याद रखिएगा कि सातों लेयर जो होता है नेटवर्किंग में उसमें क्या है नीचे का तीन लेयर यानी कि फिजिकल डेटा और नेटवर्क इसमें हार्डवेयर का रोल होता है और आपका चौथे में भी आपका थोड़ा बहुत होता है और इसके अलावा ऊपर का जो लेयर होता है जैसे एप्लीकेशन सेशन और प्रेजेंटेशन उसमें में हमारा क्या होता है तो सॉफ्टवेयर का रोल ज्यादा होता है तो याद रखिएगा हार्डवेयर का रोल ज्यादा किस में है तो नीचे का तीन में और सॉफ्टवेयर का रोल ज्यादा किस में है? तो ऊपर का तीन में ये याद रखिएगा ठीक है चलिए सर पीपीटी हिंदी में मिलाओ ठीक है चंदन आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा कल से मैं पीपीटी यार मैं एमसीक्यूज ना हिंदी में लाता आई हूं कंटेंट चलो कोई बात नहीं बस आज के लिए मुझे छोड़ दो कल से मैं आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा इसका मैं ट्रांसलेट भी कर दूंगा तो गाइज हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिकल डेटा और नेटवर्क में कौन कौन सा हार्डवेयर काम, काम करता है और कैसे कैसे काम करता है ठीक है चलिए तो सबसे पहला जो हार्डवेयर है वो आपकी स्क्रीन पर है मैं इसको इरेज कर देता हूं दोस्तों सबसे पहला जो हार्डवेयर है वो मेरा है एनआईसी एनआईसी कहने का मतलब होता है और नेटवर्क इंटरफेस का इज अ हार्डवेयर कॉम्पोनेट दैट एनेबल्स कंप्यूटर टू कनेक्ट नेटवर्क सिंपल सा बात है एनआईसी कार्ड क्या है अगर आपसे पूछा जाए एनआईसी तो ये इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसे क्या कहा जाता है इसे 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 हम 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 लोग 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 इथरनेट इथरनेट कार्ड कार्ड कहते कहते हैं। कहते है? भी कहते हैं। भी और दोस्तों लैन कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको लैन कनेक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाता है आंसर होगा आपका एनआईसी कार्ड ठीक है नेटवर्क इंटरफेस इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग इथरनेट कार्ड भी कह सकते हैं तो बेसिकली आपका होगा एनआईसी कार्ड इसके बारे में यह समझ लीजिए कि टेक्निकली अभी आप क्या होता है ना आप तो आजकल वायरलेस से भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं कोई दिक्कत होता नहीं है लेकिन इससे पहले थोड़ा देर अगर पीछे चले जाएं या फिर आपके लैपटॉप में एक पोर्ट भी आपने देखा होगा जहां पे हम लोग डिवाइस को कनेक्ट कर पाते हैं तो वो पोर्ट जो होता है अंदर में किससे कनेक्टेड होता है तो एनआईसी कार्ड से ही कनेक्टेड होता है यानी कि हमें अगर कोई नेटवर्क जनरेट करना है यानी अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को अगर हमें नेटवर्क में लेके जाना है तो वहां पर किस डिवाइस का यूज करेंगे

कनेक्टर. वैसे मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है दो तरह से समझ लीजिएगा क्या है? तो एक तरह से ये लैंड कनेक्टर होता है क्या होता है बच्चों तो ये मेरा लैंड कनेक्टर होता है ठीक है लैंड कनेक्टर तो ये कनेक्टर है और ये डिवाइस है आरजे का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर जैक आरजे का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर जैक ये भी कहीं लिख लेना चलिए दूसरा जो डिवाइस है दूसरा है एक्सेस पॉइंट और इसको हम लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहेंगे तो सिंपल सा बात है अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको वाईफाई सिग्नल को कैच करना है तो इनमें से कौन सा डिवाइस का यूज करेंगे तो दोस्तों यहां पे हम लोग वाईफाई एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट का वायरलेस एक्सेस पॉइंट का ठीक है वायरलेस एक्सेस पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेसिकली इसका यूज क्या है तो हम लोग वाईफाई सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए यानी कि हमें अगर वायरलेस सिग्नल अगर यूज करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे किसका तो हम लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे पहला चीज कहने का मतलब यह है कि अगर हमें वाईफाई से कनेक्ट करना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें और कुछ नहीं है और ये किस डिवाइस पे काम करेगा तो ये भी आपका ये भी आपका फिजिकल लेयर पे ही काम करेगा सॉरी सॉरी ठीक है ये इसको कोई लेयर नहीं रखते हैं क्योंकि ये हर लेयर पे इसका काम होगा क्योंकि यहां पे कह सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा एक्सेस पॉइंट है तो बहुत फिजिकल का नेटवर्क का भी इस्तेमाल करेगा लेकिन इस डिवाइस से क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हमें वायरलेस सिग्नल प्रोवाइड करेगा तो वो मेरा वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो सकता है या इसका एक नाम वाई राउटर भी हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं वाई राउटर भी इसको हम लोग कह सकते हैं वाई राउटर भी कह सकते हैं तो वाईफाई राउटर या एक्सेस पॉइंट क्या करता है तो वायरलेस सिग्नल को कैच करता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आता है और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा में जाते हैं एक बच्चे का सवाल आया है कि सर वेस्ट बंगाल की धरती से बहुत बहुत नमन बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ठीक है अच्छा ब्लैक वाला टेक्स्ट नहीं दिख रहा कोई बात नहीं अब दिखेगा अगला जो टेक्स्ट है वो क्या है दोस्तों नीरज ये सीक्वेंस से ही है नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्किंग डिवाइस से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं अगला जो टॉपिक है अगला है हमारा ब्रिज ब्रिज क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क टुगेदर एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन दम छोड़ो सर ये क्या कह रहा है ब्रिज थोड़ा ब्रिज के बारे में समझा दीजिए सर यूएसबी से इंटरनेट कनेक्शन होता है यू पी या फिर एन कार्ड होता है यूएसबी से यूएसबी अलग है और ये आपका आर जे अलग है दोनों को मैस मत करो यूएसबी एक ऐसा पोर्ट है जहां पे कुछ भी हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग मोबाइल भी कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग डेटा ट्रांसफर भी कर पाते हैं तो बेसिकली यूएसबी का जो इस्तेमाल किया था वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और वही आर या एन का इस्तेमाल किया था वो नेटवर्क जनरेट करने के लिए किया था, है। किया था, लिए किया था है। दोनों में अंतर है ठीक है चलिए अगर यहां पे देख पा रहे हैं कि सर ब्रिज क्या है तो बेसिकली ब्रिज का काम ये याद रखिएगा, यूज टू कनेक्ट यूज टू कनेक्ट यूज टू कनेक्ट ठीक है सेगमेंट्स ऑफ सेगमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ सिमिलर लैंड सिमिलर लैंड ठीक है सेगमेंट ऑफ सिमिलर लैंड को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है तो हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल होता है अब आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या कह रहे हो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मैं हूं ना मैं समझाऊंगा ठीक है एक पॉइंट और लिख लेना यह किस लेयर पे काम करता है तो यह मेरा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है दोस्तों ये मेरा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है किस लेयर पे काम करेगा तो डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा अब है कि सर यह क्या ब्रिज है थोड़ा इसके बारे में आप बता दीजिए समझो होता है क्या अगर मान लो कि मेरा यह ऑफिस है ठीक है हम मेरा गुड़गांव में ऑफिस है अब गुड़गांव में, में मेरा ऑफिस है तो मेरा ऑफिस जो है ना मल्टीपल फ्लोर में एक मेरा थर्ड फ्लोर पे ऑफिस है एक मेरा फोर्थ फ्लोर पर एक फ्लोर पे है है ठीक तो मान लो कि एक फ्लोर नंबर ये मेरा वन है और ये फ्लोर नंबर टू है ठीक है है तो पूरा लैन ही ना समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं एक मेरा फ्लोर नंबर वन है और एक मेरा फ्लोर नंबर टू है तो फ्लोर नंबर वन में बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे ठीक है और फ्लोर नंबर टू में भी है यहां भी बहुत सारे कंप्यूटर होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे तो ये फ्लोर वन और फ्लोर टू को जोड़ने का काम कौन करेगा तो बीच में हमारा आ जाएगा ब्रिज आ जाएगा ब्रिज में क्या आ जाएगा तो ब्रिज आ जाएगा तो बेसिकली ब्रिज क्या है तो ब्रिज एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक ही लैन का मेरा फ्लोर वन फ्लोर टू एक ही लैन की कैटेगरी में आएगा ना बेटा तो एक ही लैन के मल्टीपल सेगमेंट को जोड़ता है ये मेरा जो ऑफिस है ये एक लैन है ठीक है एक लैन है यानी कि मेरा ऑफिस है तीन चार फ्लोर में जुड़ा हुआ है एक फ्लोर नंबर वन में है फ्लोर नंबर टू में है फ्लोर नंबर थ्री में है फ्लोर नंबर वन में हजारों कंप्यूटर फ्लोर नंबर टू में हजारों कंप्यूटर ऐसे हजारों कंप्यूटर तो इसके बीच में कनेक्टिविटी कौन करेगा तो वो बेसिकली ब्रिज करेगा तो याद रखिएगा ब्रिज इज यूज टू फॉर कनेक्ट अ सेगमेंट ऑफ लैन यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिज कैसा डिवाइस है ब्रिज कैसा डिवाइस है तो ब्रिज आपका लैंड डिवाइस है इसका इस्तेमाल हम लोग लैंड में कर सकते हैं वैन में कर सकते हैं या मैन में कर सकते हैं इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग लैंड में करते हैं तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया समझ में आ गया एक बार सारे बच्चे कह दो तो यस सर गेटिंग द पॉइंट नो पॉइंट तो ब्रिज के बारे में दो पॉइंट याद रखिएगा पहला क्या ये किस लेयर पर काम करता है तो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है क्या यूज करता है तो सेगमेंट ऑफ लैंड को जोड़ने का काम करता है ठीक है और क्या कर सकते हैं हां ये लैन में काम करेगा वैन में करेगा किस में करेगा तो बेसिकली ये लैन में काम करेगा ठीक है सर हम हिंदी मीडियम से हैं पर कंप्यूटर हिंदी में नहीं समझ में आता क्या एग्ज़ाम में लैंग्वेज चेंज करके एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल एग्जाम में जाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं वैसे मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे आपको कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कंप्यूटर का कुछ कुछ ऐसा शब्द इतने क्लिस्ट हिंदी है जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जैसे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं संगनक कहते हैं तो संगनक जाके पढ़ोगे क्या नहीं ठीक है अगर रेंडम एक्सेस मेमोरी यथाचिक एक्सेस मेमोरी कहा जाता है ठीक है यथाचिक कहा जाता है तो इतना हिंदी आपको जरूरत नहीं है आप बस समझने लायक मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एग्जाम में जा रहे हैं तो हु डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है आप चीजें यहां पर समझ रहे हैं और एग्जाम में जाकर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं बस इतना ही ध्यान रखिएगा ठीक है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में और अगला जो डिवाइस है वो डिवाइस है रिपीटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये समझिएगा ठीक है अगला डिवाइस है वो मेरा रिपीटर है थोड़ा सेशन को कॉपी करके शेयर कर दो दोस्तों थोड़ा सेशन को कॉपी करके दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहां पर जुड़ जाए ठीक है मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहां पर मैं चार डिजिट में बच्चों को पढ़ाऊं और ये आपका साथ रहेगा तभी होगा मैं अपने एंड से कह रहा हूं कि आपको एग्जाम के लिए जो भी कंटेंट चाहिए सब मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करूंगा काइंडली शेयर करें दूसरे स्टडी ग्रुप में भी ठीक है चलिए चलिए अब बात बातें सर रिपीटर क्या होता है तो सबसे पहले ये समझिए कि रिपीटर क्या है तो ये मेरा फिजिकल लेयर पे काम करता है किस पे काम करता है फिजिकल लेयर पे काम करता है यूज क्या है है तो इसका यूज यूज होता टू रीजेनरेट रीजेनरेट यूज टू रीजेनरेट वीक सिग्नल ठीक है यूज टू रीजेनरेट वीक सिग्नल यानी कि जो वीक सिग्नल होता है उसको रीजेनरेट करने का काम करता है पहला चीज तो ये हो गया दूसरा अगर मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट में Used, ये हो गया फिजिकल यूज टू रीजेनरेट हो गया दूसरा जो पॉइंट आएगा यूज टू रीजेनरेट अगला क्या है यूज टू एक्सटेंड द यूज़ टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द सिग्नल एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द सिग्नल एल ई एन जी टी एच लेंथ ऑफ सिग्नल दोस्तों ये सिग्नल का लेंथ बढ़ा देता है ठीक है अब आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए ठीक है ठीक है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दी ये है क्या तो बेसिकली रिपीटर क्या होता है ना रिपीटर कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कि मेरा एक डिवाइस यहां पर है ठीक है एक डिवाइस यहां पर है और एक डिवाइस यहां पर है ठीक है एक डिवाइस यहां है और एक डिवाइस यहां पर अब होता है क्या कि जब दो पॉइंट के बीच में अगर लेंथ बढ़ता है तो डेटा लॉस हो जाता है सिंपल सा बात है कि जो स्पीड यहां पे आ रही है वो स्पीड वहां नहीं आएगी इसीलिए क्या करते हैं कि बीच बीच में एक ऐसे रिपीटर लगा दिया जाता है अब ये रिपीटर का क्या काम है तो रिपीटर का काम ये होता है कि जो वीक सिग्नल होता है उसको रिबूस्ट करके रिसेंड करना कहने का मतलब यह है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में आपके घर में एक बूस्टर लगा होता है आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में टीवी एंटीना हुआ करता था इस तरह का ठीक है पता नहीं ये वाला, फिर आप समझ पाओगे कि नहीं मैं एक डायग्राम अपने घर के अंदर जो टीवी होता था यहां पे एक लगा होता था। अब ये का, का काम क्या था ये बूस्टर कहां इस्तेमाल होता था ये समझिएगा पहले बेसिकली मेरा घर है ग्राउंड फ्लोर में और मेरा एंटीना लगा हुआ है थर्ड फ्लोर पे तो भाई थर्ड फ्लोर पे एंटीना है ग्राउंड फ्लोर मेरा घर है तो दूरी बढ़ गया ना मेरे भाई जब दूरी बढ़ गया तो डेटा लॉस हो जाता है उस डेटा लॉस को लॉस को हम लोग डेटा एट्यूनेशन भी कहते हैं कहीं लिखना चाहो तो लिख लो कि डिस्टर्बेंस इन सिग्नल इज इस नॉन एज ए डेटा एट्यूनेशन ये होता है ठीक है तो जो दूरी बढ़ता था तो डेटा मेरा लॉस हो जाता था तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते थे एक बूस्टर लगा देते थे, थे एक बूस्टर लगा यानी कि आपने ये फील किया होगा कि जिसके घर में बूस्टर लगा होता था उसकी टीवी ज्यादा क्लियर आती थी वो रामायण का जमाना था यह आदि पुरुष का जमाना मैं बात नहीं कर रहा हूं वो रामायण के जमाने में जिसके घर में डी में रामायण चलता था उस दौर में जिसके घर में टीवी लगी जिसके घर में वो बूस्टर लगी होती थी वो ज्यादा क्लियर आता था आता था क्यों इसलिए लगा होता था क्योंकि यह बूस्टर जो है यह सिग्नल को कनेक्ट करके रिबूस्ट करता था क्या करता था रिबूस्ट करता था तो यही काम था हमारा रिपीटर का ठीक है तो टेक्निकली अभी भी वही होता है अभी होता क्या है कि बेसिकली अगर मान लीजिए कि आपका घर यहां पर है आपका घर यहां पर है और जो जिसके घर से वाईफाई कनेक्शन आप ले रहे हैं यानी मान लो जियो वाला जो कनेक्शन दे रहा है तो यहां से दे रहा है तो भाई यहां जो सर्विस है क्या वो सर्विस वहां मिलेगा नहीं मिलेगा तो बीच बीच में क्या करता है रिपीटर लगाता है रिपीटर और रिपीटर का, का काम क्या होता है सिग्नल को रिबूस्ट करके रिसेंड करना तो दो पॉइंट यहां पर याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है पहला चीज कि ये रीजेनरेट करेगा सिग्नल को रीजेनरेट करेगा ये नेटवर्क का लेंथ है वो एक्सटेंड करेगा ठीक है नेटवर्क का लेंथ है वो एक्सटेंड करेगा दो चीज़ याद रखिएगा अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको समझा देता हूं बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आएगा कि सर क्या रिपीटर और एम्पलीफायर एक ही होता है क्या जी नहीं रिपीटर और एम्पलीफायर के बीच में अंतर है ये एग्जाम में आया भी है मैं समझा भी देता हूं कि बहुत सारे टेक्निकली अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो एक ही यूज है आम बोलचाल के भाषा में एक ही यूज है कि भाई क्या कर रहा है तो कुछ चीजों को बूस्ट ही कर रहा है दोनों बूस्ट ही करता है लेकिन दोनों का काम करने का जो तरीका है वो अलग होता है कैसे अलग होता है वो समझिए बेसिकली एम्पलीफायर क्या करता है ये मान लीजिए कि एम्पलीफायर लगा हुआ है और ये मेरा रिपीटर लगा हुआ है ठीक है तो एम्पलीफायर क्या करता है एक सिंगल पॉइंट से ही बूस्ट करेगा एम्प्लीफाई कर क्या करता है एक सिंगल पॉइंट से बूस्ट करता है यानी कि अगर मान लीजिए कि यहां पे हम को हम हेलो हेलो बोल रहे हैं और यहां पे एम्पलीफायर लगा हुआ है तो मेरी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो और बढ़ जाएगी यानी एक सिंगल पॉइंट से बूस्ट करने का, का काम कौन करता है तो एम्पलीफायर करता है लेकिन रिपीटर क्या करता है रिपीटर क्या करता है कि अगर यहां पर एक डिवाइस है और यहां पर रिपीटर हम लगा दिए तो ये यह यहां से एक्सटेंड कर देगा फिर यहां से एक्सटेंड कर देगा मतलब तो बेसिकली क्या करता है जो रिपीटर होता है वो मल्टी पॉइंट पे जाके बूस्ट करने का काम करता है ये सिंगल पॉइंट से बूस्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है कि यहां पे आएगा यानी यहां पे आया जो वीक सिग्नल मिला फिर उसको रिकनेक्ट किया फिर रिसेंड किया फिर अगले के पास गया फिर अगला रिकनेक्ट किया और फिर उसको रिसेंड किया तो बेसिकली जो रिपीटर होता है वो रीबूस्ट करता है रीजनरेट करता है लेकिन एम्पलीफायर करता है वो एम्पलीफाई करता है फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट से यह दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत ठीक है इसलिए रिपीटर का जो इस्तेमाल होता है बेसिकली नेटवर्किंग सिग्नल में इस्तेमाल होता है और एम्पलीफायर का जो होता है, जहां पे लेकिन की बात करते हैं, तो दोनों एक तरह का ही काम करता है ठीक है समझ में गया कोई दिक्कत नहीं याद क्या रखना एग्जाम के लिए एग्जाम के, के लिए यही दो पॉइंट याद रखना रीजनरेट करता है रिट्रांसमिट करता है और ये आपका लेंथ भी एक्सटेंड करता है ये दो तीन पॉइंट हाँ, आपको रिपीटर के बारे में याद रखना होगा समझ में आ गया एक बार बच्चे कह दो ये सर समझ में आ गया नेक्स्ट पॉइंट पे ठीक है एक बार कह दो आ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला है सर मॉडेम क्या होता है थोड़ा रिपीटर के बारे में दो तीन बस ज्यादा दिमाग ही मत खराब करो कौन सा है जो नेटवर्क सिग्नल को नेटवर्क के लेंथ को बढ़ाएगा नेटवर्क का लेंथ बढ़ाना सिग्नल को रीजनरेट करना सिग्नल को रिट्रांसमिट करना यह काम कौन कर रहा है तो रिपीटर कर रहा है किस लेयर पर काम करता है तो फिजिकल लेयर पे काम करता है खत्म कहानी कोई दिक्कत नहीं वहां पर ठीक है चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे सर मॉडेम क्या होता है दोस्तों मॉडेम के बारे में अगर मैं बात करता हूं मॉडेम क्या होता है दोस्तों मॉडेम का मतलब होता है मॉडुलेशन एंड डी मोडुलेशन मॉडुलेशन एंड डी मोडुलेशन मॉडुलेशन एंड डी मोडुलेशन मॉडुलेशन एंड डी सर ये मॉडुलेशन डी इसको अगर तोड़ोगे मॉडेम को मॉडेम को, को दो भाग में तोड़ दोगे तो दो चीज निकलता है एक मॉडुलेशन और दूसरा डी मोडुलेशन मॉडुलेशन का मतलब क्या होता है मोडलेशन का मतलब होता है डिजिटल से एनालॉग और डी का मतलब होता है एनालॉग से डिजिटल ठीक है अब आपके दिमाग में सर ये क्या करता है तो बेसिकली या सर डिस्टरबेंस इन ए सिग्नल को क्या बोलते हैं एटिन्यूशन बोलते हैं तानीमा एटिन्यूशन ठीक है डिस्टर्बेंस इन सिग्नल को एटिन्यूशन बोला जाता है ठीक है चलिए <coughs> तो ये एम्पलीफायर और समझ गया अगला जो डिवाइस है वो मॉडेम है हा और ये किस लेयर पे काम करता है तो ये भी मेरा फिजिकल लेयर पे काम करता है ये भी मेरा फिजिकल लेयर पे काम करता है सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए बेसिकली मॉडेम का काम है सिग्नल को कन्वर्ट करना मॉडेम का, का काम क्या है सिग्नल को कन्वर्ट करना कन्वर्ट करने का चीज क्या हो गया तो डिजिटल को एनोलॉग से और एनोलॉग को डिजिटल में यह कन्वर्ट कौन करता है तो बेसिकली हमारा करता है यह हमारा मॉडेम uh, ही करता है एनालॉग को डिजिटल से डिजिटल को एनालॉग में ये काम कौन करता है तो ये मेरा बेसिकली uh, मॉडेम करता है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है मॉडुलेशन एंड डी अब आपके दिमाग में आएगा सर ये करता कैसे है थोड़ा सा ये भी बता दीजिए थोड़ा सा फील इसका भी दे दीजिए रिपीटर का अगर फील दे दिए तो मॉडेम का भी फील देंगे

तो ये बेसिकली कन्वर्जन का काम कौन करता है तो मेरे पास जो है मॉडेम वो भी करेगा और उसके पास भी जो मॉडर्म वो भी करेगा तो बेसिकली मॉडेम का काम है सिग्नल कन्वर्ट करना कन्वर्जन करना डिजिटल टू एनलॉक एंड एनलॉक टू डिजिटल एंड वाइसा वर्सा भी कह सकते हो क्लियर हो गया और ये किस लेयर पे काम कर रहा है तो फिजिकल लेयर पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला हो गया स्विच ठीक है अगला हो गया स्विच के बारे में स्विच के बारे में थोड़ा सा समझिएगा एक सेकेंड सॉरी ठीक है स्विच थोड़ा सा शेयर करो यार थोड़ा सा और दबा के शेयर करो कम से कम आज 200 वाला पार हो जाए तो फिर कल हम लोग टारगेट है कि एग्जाम तक हम लोग चार डिजिट में यहां पे हम लोग पढ़ाएं ठीक है चलिए तो गाइज अगर बात करते हैं स्विच के बारे में स्विच क्या काम करता है सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा तो बेसिकली स्विच एक ऐसा डिवाइस है स्विच ऐसा डिवाइस है इसका भी काम वही है यूज टू कनेक्ट यूज टू कनेक्ट यूज टू कनेक्ट ऑल सेगमेंट ऑफ ए लैंड ऑल सेगमेंट ऑफ अ लैंड ऑफ अ लैंड ठीक है अब आपके दिमाग में सर ये क्या हो गया ऑल सेगमेंट ऑफ लैंड कहने का मतलब क्या हो गया तो ऑल सेगमेंट ऑफ लैंड कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि मेरे ऑफिस में 50 कंप्यूटर है मेरे ऑफिस में 50 कंप्यूटर है अब पचासों कंप्यूटर को क्या हम अलग अलग इंटरनेट ला दे पाएंगे क्या इतना मेरे पास है क्या कैपेसिटी सबके लिए अलग एक के लिए एयरटेल का अलग से ले दूसरे के लिए एयरटेल का अलग से फिर जियो का ले होगा क्या नहीं होगा क्या करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे कंप्यूटर को एक स्विच से जोड़ देते हैं एक स्विच से ऐसे जोड़ देते हैं सारे कंप्यूटर को ऐसे स्विच से जोड़ देते हैं और इस स्विच में एक इंटरनेट का कनेक्शन लगा देते हैं इस स्विच में एक इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हैं तो दैट मीन हमारा काम यहां स्विच क्या कर रहा है तो स्विच का काम क्या कर रहा है एक लैन के सारे सेगमेंट को एक लैन के सारे सेगमेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है तो ये मेरा स्विच कर रहा है ठीक है ये कौन कर रहा है तो बेसिकली ये मेरा स्विच है एक लाइन के सारे सेगमेंट को जोड़ने का काम समझ में आ गया पहला चीज दूसरा चीज सर ये किस लेयर पे काम करेगा सर ये आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा ये आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा लो ना समझ लो ये डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा दूसरा चीज तीसरा चीज सर ये इसका काम करने का तरीका कैसे होता है इसका काम करने का तरीका ये होता है कि ये आपका काम करता है ब्रॉडकास्टिंग पे सॉरी सॉरी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा सॉरी ये आपका करेगा मल्टीकास्टिंग पे मल्टीकास्ट पे करेगा या फिर आपका यूनिकास्ट पे करेगा ठीक है मल्टीकास्ट पे करेगा या यूनिकास्ट पे करेगा अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है इतना समझ में आ गया कि सर ये क्या काम करेगा मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मल्टीकास्ट क्या होता है यूनिकास्ट होगा दो मिनट का समय दीजिएगा वो भी आपको क्लियर कर देंगे तो यहां पर आपको याद क्या रखना है कि स्विच क्या है तो यूज टू कनेक्ट ऑल सेगमेंट ऑफ ए लैंड ये ट्रैफिक भी कंट्रोल करने का काम करता है ये डेटा हैंडलिंग का भी काम करता है तो ये समझ में आ गया सबको ये मल्टीकास्टिंग और यूनिकास्टिंग के मैकेनिज्म पे काम करता है ठीक है अब बच्चा एक बहुत अच्छा एक सवाल आया है बच्चा कि सर तो फिर स्विच और ब्रिज में फर्क क्या हो गया स्विच और लास्ट में एक हम ऐसा डायग्राम बना देंगे आपको कि पूरा नेटवर्किंग की स्टोरी समझ में आ जाएगी लास्ट में आपको एक डिवाइस हम बना देंगे जो सब क्लियर होगा लास्ट तक थोड़ा बने रहिएगा ठीक है क्योंकि लास्ट में एक ऐसा एक कम अभी तो सारे डिवाइस को अलग अलग बना रहे हैं ना एक कंप्लीट नेटवर्क हम जनरेट कर देंगे जिसमें हर डिवाइस का यूज है आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा आप समय दीजिएगा दो मिनट का समय ठीक है परेशान ना हो चलिए अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट यह है अगला है hub, है? है। हब, हब ठीक अब बात ये है कि सर स्विच जो ना स्विच और हब एक ही तरह काम करता है। स्विच और हब जो है वो एक ही काम करता है यानी इसका भी काम क्या है यूज टू कनेक्ट अ मल्टीपल डि यूज टू कनेक्ट ऑल सेगमेंट ऑफ लैंड यानी हब और स्विच काम एक ही करता है लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग है क्या तरीका अलग है तो सबसे पहले हब जो है हब आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है हब किस पे काम करता है ये फिजिकल लेयर पे काम करता है पहला चीज तो ये हो गया दूसरा ये क्या करता है दूसरा ये ब्रॉडकास्ट पे काम करता है किस पे काम करता है ये ब्रॉडकास्ट पे काम करता है ठीक है अब यहां पर आपको समझना होगा कि आ, ये मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट वगैरह क्या क्या होता है समझिएगा पहले यूनिकास्ट कहने का मतलब ये हो गया तीन चीज समझाता हूं पहले यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट कहने का मतलब हो गया अगर वन टू वन मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं अगर मैंने आपको मेल किया और आपने मुझे मेल किया तो वो यूनिकास्ट का एग्जाम्पल हो गया वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है यूनिकास्टिंग हो गया ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है वन टू मैनी होता है जैसे YouTube में हम जो पढ़ा रहे हैं YouTube में हम पढ़ा रहे हैं हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यहां पे सैकड़ों लोग हैं वो यूज कर रहे हैं कोई बाउंडेशन नहीं तो हम क्या करते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं न्यूज हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है मैच हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है हम लोग लाइव मैचेस देखते हैं ना वो ब्रॉडकास्ट होता है और न्यूज भी हम लोग सुनते हैं वो भी हमारा ब्रॉडकास्ट ही होता है ठीक है तो ये हो गया ब्रॉडकास्ट वन टू मेनी हो गया तीसरा है कि सर मल्टीकास्ट क्या होता है तो बेसिकली मल्टीकास्ट भी वन टू मेनी ही होता है लेकिन उसमें एक बॉन्डेशन है कि जो मेनी होगा उसमें कंडीशन होगा जैसे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपके लिए हो जाएगा कि हम लोग जो पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं वो मल्टीकास्ट है और जो पे पढ़ा रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट है दोनों का अंतर समझ में आ गया यानी कि वहां पे भी हम हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहां भी हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन वहां जो बच्चा इनरोल किया है वही पढ़ पा रहा है तो वो हमारा हो गया मल्टीकास्ट और YouTube पे पूरी जनता दुनिया की पढ़ पा रही है तो ये मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट तो ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का अंतर समझ में आ गया समझ में आ गया एक बार सारे बच्चे कह दो समझ में आ गया यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट अरे भाई और भी टेलीकास्ट और भी चीज होता है मैं आपको बता ही देता हूं अगर बात उठी है तो एक होता है टेलीकास्ट टेलीकास्ट क्या होता है अगर हम लोग रिकॉर्डेड टेलीविजन प्रोग्राम को देखते हैं उसको टेलीकास्ट कहा जाता है जैसे टीवी सीरियल टेलीकास्ट होता है मूवी जो टीवी में देखते हो जी सिनेमा जी टीवी में वो टेलीकास्ट होता है तो ठीक है तो रिकॉर्डेड वीडियो प्रोग्राम जो जाता है ट्रांसमिशन जो होता है उसे टेलीकास्ट कहते हैं एक होता है पॉडकास्ट होता है पॉडकास्ट क्या होता है अगर ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल हो रहा है तो उसे हम लोग पॉडकास्ट कहते हैं और रेडियो में पॉडकास्ट किया जाता है रेडियो में क्या होता है पॉडकास्ट किया जाता है ठीक है एक और होता है वेबकास्ट होता है वेबकास्ट क्या होता है दोस्तों तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइव सॉरी हाँ, वेबकास्ट क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ओवर द वेब इंटरनेट पे जो चीजें हमें दिखती है वो वेबकास्ट है ठीक है याद रखिएगा इंटरनेट पे जो चीजें हम लोग देखती है वो वेबकास्ट है आप अगर मान लीजिए हॉटस्टार में मैच देख रहे हैं तो वो वेबकास्ट हो गया लेकिन वही टीवी में अगर देख रहे हैं तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया और वही सीरियल देख रहे हैं तो वो टेलीकास्ट हो गया तो ये है आपका वेबकास्ट टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट कास्ट कास्ट ठीक कास्ट, है कास्ट. तो समझ में आ गया सब कुछ कास्ट तो चलिए उसी पर बात थी यहां पर तो समझ में आ रहा है ना यार समझ में आ रहा है इतने सारे अरे और भी एक दो अचानक दिमाग में जो आया वो मैंने बता दिया और भी है ठीक है पर और भी हैं आगे बताते रहेंगे तो तो अगर यहां पे देख पा रहे तो जैसे सिंपल सा लॉजिक ये समझिए कि हब और हब और स्विच में थैंक यू तनु थैंक यू तो गाइज अगर मैं बात करता हूं यहां पे थोड़ा सा पॉइंट सर हब और स्विच में फर्क क्या है तो दोस्तों ये ब्रॉडकास्ट पे काम कर रहा है वो मल्टीकास्ट पे कर रहा है दोनों में अंतर क्या हो गया अंतर ये है कि जब स्विच स्विच क्या करता है थोड़ा सा यहां पे दिखाते हैं स्विच क्या कर रहा है अगर मान लो कि इसको डेटा देना है इसको देना है इसको देना है तो ये जिस पोर्ट को डेटा देगा भेजने से पहले चेक करता है याद रखिएगा कि स्विच क्या करता है कि पहले डेस्टिनेशन पोर्ट को चेक करता है कि भाई आपको चाहिए अगर वो बोलेगा चाहिए तो देगा नहीं चाहिए तो नहीं देगा तो इससे फायदा ये होता है कि जब हम लोग स्विच करते हैं तो मेरा नेटवर्क सिक्योर भी रहता है और मेरा जो डेटा लॉस है वो भी बच जाता है लेकिन हब में क्या करता है हब में क्या करता है कि यह पांचों पॉइंट में सिग्नल दे रहा है आउटपुट सब में जा रहा है रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो सब मेरा यूज होता रहता है तो वो समझिए कि वो एक तरह से क्या हो गया बेसिकली ये क्या हो गया कि मतलब सब में आउटपुट जा रहा है ये डेस्टिनेशन पोर्ट को चेक नहीं करेगा भेजने से पहले लेकिन स्विच क्या करता है डेस्टिनेशन पोर्ट को चेक करता है भेजने से पहले तो इसी वजह से आपका जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है क्यों क्योंकि डेटा लिंक लेयर का काम है हमारा एक ट्रैफिक कंट्रोल करने का भी काम और ये जो हब है ये आपका किस पे काम करता है तो हब मेरा काम करता है फिजिकल लेयर पर तो दो तीन चीजें याद रख लीजिएगा हब क्या है तो यूज टू कनेक्ट ऑल सेगमेंट ऑफ लैंड वो है हब मेरा किस लेयर पर काम करेगा यह फिजिकल लेयर पर काम करेगा स्विच क्या है तो स्विच भी वही काम करता है यूज्ड टू कनेक्ट ऑल सेगमेंट ऑफ लैंड वो काम करता है किस लेयर पे काम करता है तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है तो ये दो चार चीजें हैं जो आपको यहां पे समझना चाहिए ये वेबकास्ट है ये वेबकास्ट अगर टेलीविजन में जाते तो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं youtube पे देख रहे हो जहां पे वेब पे आ गया ना जहां इंटरनेट का यूज हो गया वो वेबकास्ट हो गया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है राउटर के बारे में थोड़ा सा पता है यहां भी बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है थोड़ा इसको भी मुझे समझाना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों अगला है राउटर राउटर के बारे में यह समझिए राउटर राउटर वेरियस डेटा पैकेट वाय सिमिलर सेट ऑफ नेटवर्क दोस्तों याद रखिएगा कि राउटर क्या करता है तो राउटर का काम है यह डेटा पैकेट को सेंड करता है डेटा पैकेट को सेंड करेगा डेटा पैकेट को सेंड करेगा ठीक है किस पे करेगा सिमिलर सेट ऑफ नेटवर्क पे सिमिलर सेट ऑफ नेटवर्क पे सिमिलर सेट ऑफ नेटवर्क पे पहला चीज तो ये हो गया सिमिलर सेट ऑफ नेटवर्क पे ठीक है और ये याद रखिएगा ये सिमिलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल पे भी काम करता है सिमिलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल पे भी काम करता है ठीक है स्वेट ऑफ प्रोटोकॉल पे भी काम करता है ये भी याद रखिएगा और तीसरा ये याद रखिएगा कि ये मेरा नेटवर्क लेयर पे काम करता है क्योंकि ये राउटिंग का काम कर रहा है यहां लिखा है ना कि रूट बताता है क्योंकि रास्ता बताने का काम करता है और रास्ता जो बताने का काम बेसिकली नेटवर्क लेयर करता है इसीलिए मेरा नेटवर्क लेयर का डिवाइस हो गया दूसरा यह याद रखिए किस पे काम कर सकता है तो ये लैन में भी काम कर सकता है और यह वैन में भी काम कर सकता है लैन और वैन ये सब में काम कर सकता है ठीक है तो यह राउटर के बारे में हो गया राउटर का काम क्या है डेटा पैकेट सेंड करता है किसमें तो सिमिलर सेट ऑफ नेटवर्क में और ये क्या करता है तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है और लैन और वैन दोनों में थोड़ा है कंफ्यूजिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा कंप्यूटर प्लेलिस्ट बता दीजिए मेरा कंप्यूटर विवेक पांडे का एक प्लेलिस्ट है, देख अगला जो है अगला है ये आपका gateway. सर, gateway क्या होता है तो दोस्तों गेटवे के बारे में दो तीन चीज याद रखिए एग्जाम में ये पूछा था और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं राउटर और गेटवे के बाद में ठीक है हां बिल्कुल एक सवाल आया है कि आशीष क्या सर राउटर भी ट्रैफिक कंट्रोल करेगा हां वो भी ट्रैफिक हैंडलिंग का काम करेगा ठीक है उसके अंदर भी वो क्षमता है कि ट्रैफिक तो हैंडल कर सकता है ठीक है चलिए बात करते हैं गेटवे पे तो गेटवे क्या है तो गेटवे बेसिकली याद रखिएगा ये मेरा क्या करता है यूज टू कनेक्ट यूज टू डिस अच्छा लिखा होगा ना इसमें मैं क्यों लिख रहा हूं ठीक है यूज टू कनेक्ट टू डी सिमिलर टू डी सिमिलर नेटवर्टेक्चर डी सिमिलर नेटवर्क आर्किटेक्चर डी सिमिलर नेटवर्क आर्किटेक्चर दोस्तों डी सिमिलर नेटवर्टेक्चर को कनेक्ट करता है अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर को जोड़ना है तो हम लोग गेटवे का इस्तेमाल करेंगे ये किस लेयर पे काम कर सकता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा और बेसिकली प्रोवाइड सर्विस टू ऑल अदर लेयर प्रोवाइड Service provides service to all other. सेवन लेयर ऑल अदर सेवन लेयर ठीक है अगर ये कभी एक्सेप्शनल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ये पूछता भी है कि भाई मेरे को ये बताओ कि कौन सा ऐसा अभी तक तो, तो आप सर आपने मुझे ये बताया है कि एप्लीकेशन लेयर पे सॉफ्टवेयर काम करता है डेटा लिंक सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर पे सॉफ्टवेयर काम करता है लेकिन कभी अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जा जाए ये पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मेरा एप्लीकेशन सॉरी सॉफ्टवेयर लेवल पर भी काम कर सकता है तो आंसर आपका गेटवे होगा टेक्निकली गेटवे क्या होता है ना वो हार्डवेयर भी हो सकता है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है है. तो इस वजह से इसका जो थोड़ा बहुत रोल जो होता है वो सातों में देखने को मिलता है तो अगर एक्सेप्शनल पे कौन रोल कर सकता है तो गेटवे कर सकता है एप्लीकेशन में रोल कौन कर सकता है तो मेरा गेटवे कर सकता है ठीक है तो प्रेजेंटेशन काम कर सकता है तो मेरा गेटवे कर सकता है तो ये इसका अलग अलग रोल हो गया पहला चीज दूसरा चीज ये भी आप याद रखिएगा

ये एटेक है। लेकिन आप किसी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का अलग आर्किटेक्चर है, है।, तो तो है।, है और वो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाता है इसीलिए आपने सुना होगा कि हम क्या कहते रूपे गेटवे होता है रूपे गेटवे या फिर मास्टर कार्ड वीजा कार्ड क्या है वो एक मीडिएटर है वो मीडिएटर है बैंक और जिसके पास पेमेंट जाता है उसके बीच में कि भाई हम सिक्योरली पैसा ट्रांसफर करवा देंगे अगले के अकाउंट में इसलिए वीजा कार्ड इसके लिए चार्ज करता है रुपए इसके लिए चार्ज करता है मास्टर कार्ड इसके लिए चार्ज करता है वो एक मीडिएटर है कि हम सिक्योरली पैसा आपके अकाउंट से निकालेंगे और उसके अकाउंट में जाकर डाल देंगे तो इसीलिए इसको पेमेंट गेटवे ही बोला जाता है तो टेक्निकली गेट एक शब्द ऐसा है जो मीडिएटर होता है और इसी को ना इसी को हम लोग प्रोक्सिस सर्वर भी कहते हैं इसी को हम लोग प्रोक्सिस सर्वर भी कहते हैं ये भी याद रखिएगा ठीक है और वैसे प्रॉक्सी सर्वर के बहुत तरह तरह के टाइप होते हैं आगे हम लोग कभी पढ़ रहे होंगे इसको तो याद रखिएगा ये बेसिकली इस कैटेगरी में आता है क्या तो ये मेरा प्रॉक्सी सर्वर हो गया गेटवे तो दो तीन पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि भाई डिसिमिलर नेटवर्क को कौन जोड़ सकता है तो गेटवे जोड़ सकता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर किसे कहेंगे तो इस गेटवे को कहेंगे कौन सा है जो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल सेवन लेयर पे काम कर सकता है तो यही कर सकता है सर एक बच्चे का सवाल आया कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है क्या मेरा ग्रेजुएशन में कंप्यूटर कोर्स है वही काफी नहीं अगर आपके ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ क्लास में कंप्यूटर है तो आपके लिए काफी आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दैट इज अ होप ठीक है चलिए तो यह समझ में आ गया अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में अगला है एक वी 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 सेट 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 है 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 सबसे आसान है, आप इसको समझ सकते हैं क्या है? तो वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल बेसिकली सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करने के लिए सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करता है सैटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करता है सिग्नल को कैप्चर करता है ठीक है कैप्चर करता है ठीक है सेटेलाइट सिग्नल को कैप्चर करता है सिंपल सा यह याद रखिएगा यूज टू कैप्चर सेटेलाइट सिग्नल ओवर द वैन ये किस पे काम करेगा तो ये वैन पे काम करेगा किस लेयर पे काम करेगा तो ये फिजिकल लेयर पे काम करेगा ये भी आपका फिजिकल लेयर पे काम करेगा ठीक है ये फिजिकल लेयर पे काम करेगा तो दोस्तों ये तो सारा हो गया आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस ठीक है हर डिवाइस के बारे में जो भी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको बता दिया अब आपको प्रैक्टिस करना है लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शनल डिवाइस जो आपको जानना चाहिए जैसे कि हम बात करेंगे इसके बारे में ये क्या है ना ये मल्टीप्लेक्सर है ये क्या है ये आपका मल्टीप्लेक्सर है तो मल्टीप्लेक्सर के बारे में बस इतना ही जान लो ना एग्जाम में ये पूछा जाता है कभी कभी कि आप बताओ एक ऐसा डिवाइस जिसमें मल्टीपल इनपुट होगा और सिंगल आउटपुट होगा मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट कौन सा डिवाइस यूज करेंगे मल्टीप्लेक्सर यूज इस्तेमाल करेंगे अगर आपसे डिवाइस बढ़ा रहा हूं तो पूरा डिवाइस पढ़ाता हूं और भी डिवाइस पढ़ा दूंगा क्या दिक्कत है तो मल्टीप्लेक्सर क्या है जो मेनी टू वन मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है इसी का जस्ट उल्टा होता है डी मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है तो बेसिकली ये क्या करता है कि एक इनपुट होगा सॉरी मल्टीपल इनपुट होगा और सिंगल आउटपुट आउटपुट होगा मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट किसमें होगा तो डी मल्टी एकदम याद रखना कि मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट क्या होगा मल्टीप्लेक्सर और मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट सिंगल आउटपुट तो वो कौन होगा वो मेरा डी मल्टीप्लेक्सर होगा इसके अलावा दो तीन चीजें और याद रखना एक होता है इनकोडर और डिकोडर इनकोडर डिकोडर ठीक है इनकोडर डिकोडर भी होता है

एडर होता है सब होता है तो इसके बारे में भी कहीं कहीं जिक्र हुआ है तो चूंकि ये वन लाइनर चीजें तो जब हम एमसीक्यूज करवा रहे होंगे तब आपको ये चीजें समझा देंगे लेकिन जब बात उठी है तो थोड़ा चर्चा कर ही देते हैं कि ये जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ते हो तो कुछ एक्सेप्शनल चीजें तो रह जाती है ना कि सर एक्सेप्शनल चीजें स्टार करके हम लोग लिख देते हैं तो वही टाइप की चीजें कुछ अदर डिवाइसेस के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा जैसे मल्टीप्लेक्सर के बारे में डी मल्टीप्लेक्सर भाई इनकोडर के बारे में डी के बारे में एडर के बारे में सब के बारे में तो ये सब चीजें हैं हम ऐसे करके कभी भी क्वेश्चन के बीच में एड करके उसको हम बता देंगे लेकिन आपको जुड़े जरूर रहना पड़ेगा अगर आप जुड़े नहीं रहिएगा तो हो नहीं पाएगा यार आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा ठीक है रोजाना ये क्लास दो बजे ही अब चलेगी दो बजे ही चलेगी टिल एग्जाम तक आपको वो हर चीज दूंगा जो एग्जाम के लिए जरूरत है ठीक है चलिए ये तो मैंने पढ़ा दिया अब है कि सर आप जो पढ़ाएं क्या एग्जाम में भी आया है क्या लो चेक कर लो लो चेक कर लो आरआरबी क्लर्क का दूसरा एग्जाम पर ठीक है चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग फिक्स्ड इंटरनेट फ्रॉम द फ्रॉम द होम और ऑफिस इनमें से कौन सा मेथड है जो आप आ, घर में जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो, तो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं डीएसएल लाइन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो बेसिकली हम लोग ब्रॉडबैंड के साथ इस्तेमाल करते हैं ये आया था प्रीवियस ईयर में ठीक है दूसरा सवाल जो प्रीवियस दो हजार बाईस के पीओ में क्वेश्चन देखने को मिला था ठीक है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरनेट का भी झलक था इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं इंटरनेट जब पढ़ाएंगे तो यह भी क्लियर कर लोगे ये शुद्ध क्वेश्चन था आप देख सकते हो यहां पर पूछा गया था किस में तो आरआरबी पीओ में दो में पूछा गया था क्या पूछा

हब जो है वो किस लेयर पे काम करता है ये बता दीजिए थोड़ा सा हब जो है किस लेयर पे काम करेगा हम नहीं बताएंगे अभी हम पढ़ाएं ठीक है बिल्कुल सारा बच्चा राइट आंसर कर रहा है हब जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है प्रीवियस ईयर में आया तो मैंने थंबनेल में लिखा था कि दो क्वेश्चन पक्के तो अगर पूरा डिवाइस हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो दो क्वेश्चन कहीं से आएगा जवाब दे देंगे ना भाई तो ऐसे ही बहुत सारी मेरी प्लानिंग है कल भी मैं इसी तरह कोई दो नंबर चैप्टर का कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ तो कल आइएगा अभी कल भी जरूर और कल क्या डेली आओ ना यार दो बजे आओ क्या दिक्कत है कहीं भी हो आधा पौन घंटे का समय निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बस तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जाते जाते इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि अगर आपको सेम अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप में आपका कम्युनिटी बाय विवेक पांडे के अंदर चले जाइएगा वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएगी कम्युनिटी बाय विवेक पांडे के अंदर आप चले जाइएगा आपको यहां पे ये चीजें मिल जाएगी ठीक है चलिए दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चा इस पर जुड़ जाए वो चार डिजिट तक हमें पहुंचा दीजिए ये बड़ी तमन्ना है और मुझे लगता है कि इस तमन्ना को

ये आपको दिख रहा है चलो तो देखो क्या है सो बेसिकली मान लो कि मेरा कोई ऑफिस है मान लो कि मेरा कोई ऑफिस है क्या है मेरे ऑफिस में पांच कंप्यूटर मान लो इतना सारा कंप्यूटर है ये सारा कंप्यूटर रहा होगा ठीक है ये मेरा ऑफिस है और इसमें बहुत सारे कंप्यूटर है मेरे ऑफिस में कंप्यूटर है ठीक है अब इन सारे कंप्यूटर में कोई मान लो कि मैंने जियो का कनेक्शन लिया है जियो का कनेक्शन लिया है और यहां तक पहुंचाना है अब एक जियो का कनेक्शन यहां तक कैसे पहुंचेगा तो वो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक स्विच यहां पे लगाएंगे एक स्विच लगाएंगे यहां पे और इस स्विच पे हम सबको ऐसे कनेक्ट कर देंगे ये सबको स्विच पे कनेक्ट कर देंगे ठीक है अब यहां पे भी एक स्विच लगेगा यहां पे भी एक स्विच लगेगा और यहां पे फिर ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगा ये स्विच का कनेक्शन हो गया ठीक है पहला काम क्लियर हो गया पहला अब यह है कि यह फ्लोर नंबर वन में यह फ्लोर नंबर वन में यह फ्लोर नंबर वन में है और यह फ्लोर नंबर टू में है तब ये दोनों को कैसे जोड़ेंगे तो बीच में हम लगा देंगे एक ब्रिज लगा देंगे बीच में एक लगा देंगे ब्रिज लगा देंगे ठीक है ब्रिज में लगा दिए एक ब्रिज अब ये ब्रिज क्या है तो ये इसके और इसके बीच में आ गया अब सबके बीच में ट्रांसफर हो गया अब जियो का कनेक्शन यहां आया वो चला गया किसके अंदर तो वो चला गया राउटर के अंदर ये राउटर में कनेक्ट हुआ और राउटर से आकर यहां पे हमारा ये स्विच में कनेक्ट हो गया ठीक है ये राउटर में स्विच में कनेक्ट हो गया अगर हमें सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो यहां पे हम एक गेटवे भी लगा देंगे यहां पर एक गेट भी लगा लेंगे ठीक है और गेटवे वे क्या बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि राउटर को ही गेटवे बना दिया जाता है ठीक है तो यहां पर गेटवे लगा लेंगे और गेटवे क्या काम करेगा तो जो भी डेटा आएगा या जो भी सिग्नल आ रहेगा उसके बीच में ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा ताकि हमारे नेटवर्क को डायरेक्ट एंटर ना करे तो ये मैंने एक जियो का एग्जाम्पल दिया आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं किसी का भी डेटा आ सकता है तो वैसे ये अदर डेटा आ रहा है और हमारे ऑफिस में जाना है तो अदर डेटा को ऑफिस में कैसे पहुँचाएंगे पहले बीच में एक फिल्टर डाल देंगे फिल्टर करने के लिए गेटवे लगा दें गेटवे अंदर आएगा राउटर के थ्रू ठीक है दोनों अब आजकल पैरल ही काम करने लगा आगे बढ़ेगा चला जाएगा स्विच के पास स्विच में सारा डिवाइस है वो ऐसे कनेक्ट करेगा और ये फिर बीच में ब्रिज होगा और ऐसे कम्युनिकेट करेगा तो इस तरह करके हर नेटवर्किंग का डिवाइस यूज किया था समझ में आ गया एक बार सारे बच्चे कह दो तो सर समझ में आ गया ठीक है चलिए तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं मैं उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है अब सही लगा एक समराइज चीजें बन गई होगी दिमाग में ठीक है अब यहां पे भी है ना ये लैपटॉप इससे कैसे कनेक्ट हुआ होगा तो बेसिकली यहां यहां पे यहाँ पे एक एनआईसी कार्ड लगा होगा एनआईसी कार्ड लगा होगा इसलिए यहां पे कनेक्ट हुआ होगा ठीक है चलिए तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं बहुत सारी चीजें जो चर्चा कर पाए जो आपको यहां पे रिक्वायर्ड है रोजाना जुड़िएगा जरूर दोपहर दो, दो बजे किससे तो हमसे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में तब तक लिए गुड लक गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों